फाइनल एग्जिट आए हुए हैं या आपके ऊपर किसी प्रकार का हरूफ लगा है, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। देखिए मेरे भाई, जो वेबसाइट हम यहाँ से ओपन कर रहे हैं, इस वेबसाइट का लिंक हम वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से वेबसाइट ओपन होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलेगा, तीन ऑप्शन से आप इजीली चेक कर सकते हैं कि आपके ऊपर किसी प्रकार का हरूफ लगा है या नहीं। पहला, पासपोर्ट नंबर। अगर पासपोर्ट नंबर है तो पासपोर्ट नंबर से चेक कर सकते हैं, ठीक है। पासपोर्ट नंबर देंगे, नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे, वेरिफिकेशन कोड देंगे, रिसर्च करेंगे, ठीक है ना। ये कामा नंबर एंड बॉर्डर नंबर। तो हमारे पास पासपोर्ट नंबर है तो हम पासपोर्ट नंबर से चेक कर रहे हैं। तो पासपोर्ट नंबर हम यहाँ पर टाइप कर देंगे, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर होगा वो पासपोर्ट नंबर आप यहाँ पर टाइप करेंगे, नेशनलिटी को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से देखिए, नेशनलिटी लिखा है ना, यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो पूरे देश का नाम यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर अपना देश का नाम सर्च कर लीजिएगा, मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया कर लिया। वेरिफिकेशन कोड, जिस तरीके से ये कोड लिखा है सेम उसी तरीके से ये कोड लिख करके आपको रिसर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे रिसर्च वाले ऑप्शन पर आप क्लिक, आपका डिटेल्स आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अगर आपका वर्कर स्टेटस अब्सेंट फ्रॉम वर्क बता रहा है, इसका मतलब है कि आपके ऊपर हरूफ लगा है, ठीक है ना। आपका नाम शो करेगा एंड वर्कर नंबर शो करेगा। अगर यहाँ पर वर्कर स्टेटस वाले जगह पर फाइनल एग्जिट दिखा रहा है, इसका मतलब होता है कि आप फाइनल एग्जिट हैं, ठीक है ना। यहाँ पर वर्कर स्टेटस, सिर्फ आपको जो मैंने बताया तरीका वही तरीका अपनाना है। लिंक मैंने दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जस्ट आपको लिंक पर क्लिक करना है। आपको अपना पासपोर्ट डिटेल्स दे देना है या इकामा डिटेल्स दे देना है, और डिटेल्स दे करके जैसे रिसर्च करेंगे आपके सामने आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।